मनीषा पोंद्रे और आप देख रहे हैं केसरी उजाला न्यूज। अकोला में पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त सुभाष पाटिल के साथ नकली लहसुन बेचकर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। उनकी पत्नी ने घर के सामने आए सब्जी वाले से लहसुन खरीदा। वह घर में लाने के बाद जब लहसुन छीलने लगी तो उसकी कली नहीं निकल रही थी। यही नहीं, उसे चाकू से काटने के बाद भी लहसुन की कली नहीं निकली। इसके बाद उन्हें धोखाधड़ी का एहसास हुआ। महिला ने जब बारीकी से जांच की तो उन्हें पता चला कि लहसुन सीमेंट से बना है। दरअसल लहसुन रसोई में इस्तेमाल होने वाले सबसे जरूरी सामानों में से एक है। लहसुन की कीमतें इन दिनों आसमान छू रही है। ऐसे में सब्जी विक्रेता इसका फायदा उठाते हुए लोगों को चूना लगा रहे हैं। सीमेंट से बने इस नकली लहसुन का मामला तब सामने आया जब अकोला के बाजारिया नगर में रहने वाले सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी सुभाष पाटिल की पत्नी ने एक ठेले वाले से लहसुन खरीदा। जब लहसुन का उपयोग करने के लिए उसे उठाया गया तो पता चला कि लहसुन नकली है। लहसुन की एक गांठ बिल्कुल असली लहसुन की तरह सीमेंट का उपयोग करके कृत्रिम रूप से बनाई गई थी। लहसुन छीलते समय उसकी कलियां अलग नहीं हो रही थी, इसीलिए लहसुन की गांठ को चाकू से काटा गया। तब पता चला कि यह गांठ खड़े लहसुन की तरह सीमेंट से बनाई गई है और इस पर सफ़ेद रंग का इस्तेमाल किया गया है।